मेरे ख्याल से ये 3 लाख लोग तो होंगे ही, उससे ज़्यादा ही होंगे। रावण का वध किया था दशहरे के दिन, बारिश के वजह से कहाँ पे छुपेंगे, ये सबसे बड़ा मच्छर मार के यहाँ पे। भाइयों ये जो लाइन दिख रही है ना, ये रात से चालू है, यानी कि 24 रात और दिन, सुबह से लेके शाम तक, आज भी रहेगा रात को और कल भी रहेगा, 2-3 दिन रेगुलर रहेगा यहाँ पे। ये है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे धम्म परिवर्तन दिन का यहाँ पे स्टार्टिंग की थी 1956 में, 14 नवंबर 1946 में। तो ऑटो से आए, अभी ऑटो से आए, बस से आए, कैसे भी आए, आज सवेरे से निकले हम 8 बजे से आए हुए हैं। और यहाँ पे हो गया आपका दर्शन, अंदर में अंदर में जाके बाहर आ गए, बहुत बढ़िया था आज का दिन, बहुत बड़ा दिन है, मगर बारिश में मजा गिर गिर ये सर। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नागपुर, और नागपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मेरा टाउन प्लेस है नागपुर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर मैन रवि, में आपको बहुत बहुत स्वागत। आज जो दिन है बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन में प्रभु श्री राम ने अपने रावण जी का वध किया था। और आज देख रहे होंगे तो मॉर्निंग में हमने एकदम साज सज्जा करके, एकदम धुलाई वगैरह करके, एकदम गाड़ी की पूजा की, तो इससे आपको पता चलता होगा कि आज दशहरा है। दशहरा मीन्स राम जी ने जो रावण का वध किया था दशहरे के दिन, और दिवाली के दिन अयोध्या में आए थे, इसके वजह से दशहरा उन्हीं के नाम से जाना जाता है, और दीपावली भी उन्हीं के नाम से जानी जाती है, जो 5 दिन की है। तो आज मैं आपको एकदम एक्साइटमेंट वाला वीडियो बनाने वाला हूँ, आज मैं बहुत एक्साइटमेंट वाला वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज जो है नागपुर में दो चीज़ें बहुत प्रचलित है। एक तो दशहरा जैसे हमारा रेशिम्बा ग्राउंड, कस्तूरचंद ग्राउंड, टिटनीस पार्क, यहाँ पे 50 फीट के ऊपर वाले यहाँ पे रावण बनाने वाले हैं, और शाम को रावण दहन होने वाला है। और एक चीज़, और दूसरा जो है आज है दशहरा मीन्स आज धम्म परिवर्तन दिन। आज के दिन दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो आज मेरे ख्याल से नागपुर के अंदर में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बौद्ध समाज के लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया में, महाराष्ट्र के आजू बाजू में जहाँ पे भी, तो सारे आज के दिन यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ मोटो ब्लॉगिंग करके दिखाऊँगा आज कितना भीड़ रहेगा, कौन सी रास्ते में। और अगर कस्तूरचंद पार्क का मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा, वहाँ पे एकदम 53 फीट ऊंची रावण की स्टैचू बनाया हुआ है, जो कि शाम को दहन करने वाला है। तो चलिए अभी मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ पूरा नागपुर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दशहरा का उत्सव मनाया जाता है आज के दिन में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आज का दिन जो है दशहरे का दिन है, कुछ खास है, हिंदू धर्म के लिए भी खास है और बौद्ध धर्म के लिए भी खास है, क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे दीक्षा ली थी, जो दीक्षा भूमि फेमस है ऑल ओवर इंडिया में। और ये जो मेरे सामने जो दिख रहा है, ये छोटा ताजबाग है, ये सक्करदरा स्क्वायर में है, और ये भी रघुजी भोसले जी का सामने में, इसके सामने में वाड़ा है, जो जैसी अभी कंडीशन में है, थोड़ा सा अच्छा कंडीशन में नहीं है, खराब कंडीशन में है, क्योंकि बहुत साल हो गया ना इसकी वजह से। तो यहाँ से निकलते हैं दीक्षा भूमि की तरफ, क्योंकि दीक्षा भूमि पे ज़बरदस्त ये होगा ना, क्या बोलेंगे यार उसको, पुलिस वालों का पहरा, तो वहाँ पे तो जाने नहीं देंगे गाड़ियाँ। फिर भी रास्तों का मैं आपको नज़ारा बताऊँगा, क्योंकि आज का दिन तो इंद्र भगवान ने भी थोड़ा सा हाहाकार मचाई है, थोड़ा सा बारिश आई थी मॉर्निंग में, और अभी भी थोड़ा सा ये दिख रहा है कि बारिश आने के चांसेस है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी मौसम एकदम सुहाना है, नागपुर सिटी में घूमने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। और अब हिमालयन सुबह सुबह तैयार होके अभी रास्तों का नज़ारा देखने के लिए निकली, फल पूजा सामग्री ना जो है सोना लूटने वाला पीने, आज ये रेशिम्बा ग्राउंड है, और रेशिम्बा ग्राउंड में अभी तक
रावण जी पधारे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका मतलब यह है कि रावण दहन का प्रोग्राम अभी तक चालू नहीं हुआ। रावण दहन का प्रोग्राम ये साइड में चालू हुआ क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम था, इसके वजह से यहाँ पे कंडल वगैरह निकाला। निकालने के बाद ही ये रावण दहन का होगा ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, अपन दीक्षा भूमि की तरफ भागते। तो ये देखो भाई, ये पूरे सिग्नल चारों चालू है, मगर ये ऑटो वाला देखो जबरदस्ती घुस गया, और ऐसी चक्कर में लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। ये क्या बताए इन लोगों को, कौन समझा है। दीक्षा भूमि की तरफ जाते हैं ना, सब गांव के खेड़े के लोग आते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता करने का ये सब प्रोग्राम वगैरह, भोजन दान, तो यहाँ पे सब भोजन दान का प्रबंध फ्री में किया जाता है सब उन्हें। मगर यहाँ पे इतना क्राउड है ना, इसके वजह से इधर से रास्ता बंद करके रखा है। तो ये साइड में देखिए, ये जो है ये फ्री वाला भोजन इन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ये जो आते हैं ना बाहर गाँव से, तो खाने पीने का सब इंतजाम वगैरह किया हुआ है। तो राइट साइड में जाने का नहीं है, यहाँ पे जाने का अभी स्टेट ही। तो ये देखो ये गाड़ी वाला किधर डाल रहा है यार, ये तो यार आधी हो गई है। यहाँ पे पार्किंग तो नहीं है, ऐसे ही लगा है अपने गाड़ी। भाइयों मैं दीक्षा भूमि पहुंच गया हूँ। ये 66वां धम्म चक्र परिवर्तन दिन समारोह है। ये देखिए मेरे सामने में, यहाँ से एंट्री गेट है, मेन गेट तो उधर साइड में। तो यहाँ से जाके देखते क्या है कि लोग कल से आए हुए हैं यहाँ पे, और रात को यहाँ पे इनका रहने का और खाने का वगैरह इंतजाम किया था, इसलिए कल से है ये लोग सारे। ये देखिए मेरे पीछे में पूरा जो है दीक्षा भूमि वाला एरिया ये पूरा, और वो जो राउंड वाला जो दिख रहा नहीं है वो बिल्डिंग वो है दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि के अंदर में तो अलाव नहीं होगा, मगर ये मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्राउंड है दीक्षा भूमि का, मगर यहाँ पे इनका रहने का बंदोबस्त किया हुआ है। तो कैसा है कि सब कपड़े उपड़े सुलगाने का प्रोग्राम चल रहा है इन लोगों का, खाना वाना। तो अभी ये थोड़ा सा सामने जाके देखते क्या है। तो वहाँ पे कुछ दिख रहा है, जाके देखते वहाँ पे कुछ तो भी है। जाने के बाद पता चलेगा अपने को क्या चीज़ है वहाँ पर। लोकल आदमी के लिए नहीं है इधर साइड, इधर साइड कोई पत्रकार वगैरह लोगों के लिए है इधर साइड में। तो ये पूरी कुर्सियाँ वगैरह कल कुछ हुआ होगा या आज होगा, देखते अभी वहाँ पे क्या चीज़ है। दूर से तो दिख रहा है, पास में जाके देखते हैं। तो ऐसा है कि आज वर्धापन दिन समारोह करके यहाँ पे ये 66वां धम्म चक्र परिवर्तन दिन आयोजित किया हुआ है सम्राट अशोक का विजयादशमी। तो ये पूरा स्टेज बनाया हुआ है, तो यहाँ पे शाम को प्रोग्राम होने वाला है। तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत मूर्ति है गौतम बुद्ध जी की, देखिए यहाँ पे उनका सेल्फी भी खींच रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया सा। बारिश ने यहाँ पे हाहाकार मचा दिया है, हनुमान अंदर में पहुंचे थे वैसे ही।
एक्चुअली इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे अब बारिश के वजह से कहाँ पे छुपेंगे, ये सबसे बड़ा मच्छर मार के यहाँ पे सुबह से इतना बढ़िया मौसम था, मौसम ने ये पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बहुत खराब परिस्थिति हो रही है, अभी इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग आए रुकेंगे कहाँ पे, सुबह उठाने आए रुकेंगे कहाँ पे। अरे यार सलाम हेलमेट, आले सर अंदाजे किती लोक आले सर? अंदाजी कमीत कमी तरी 3 लाख करून पेपरामध्ये आलं होतं। तो पानी के वजह से यहाँ पे पूरा मज़ा किरकिरा हो गया। ये जो इतने तसल्ली से लोग आए इतने दूर से, मेरे ख्याल से ये 3 लाख लोग तो होंगे ही, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पे किसी को जगह मिली छुपने की, नहीं मिली पता नहीं, मगर ये सारे सारे लोग पूरे के पूरे भीग गए। ये देखिए मेरे पीछे ये पूरे लोग यहाँ पे छुपने में ये जगह मिल गई इनका। ये अम्बेडकर कॉलेज का ये लॉ का ये पूरा ऊपर से, तो यहाँ पे सारे लोग छुप गए। और बाकी जो शाम को यहाँ पे होने वाला है जो प्रोग्राम, तो यहाँ के लिए तो अपने को जाना था उधर साइड, मगर बारिश की वजह से अपन जा नहीं पाएंगे। तो कहाँ से जाएंगे उधर साइड में, क्योंकि अपना जो हेलमेट है ये गाड़ी के ऊपर ही लटका पड़ा है और वो पूरा का पूरा भीग गया है इसका मतलब पूरा सर अपना भीग जाएगा। तो यहाँ से जाएंगे उधर साइड में, क्योंकि यहाँ पे रुकने में कोई मतलब है नहीं अपने को, वहाँ पे शूट करने का। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोग वहाँ पे खड़े हैं, लाइन से है कि नहीं लाइन से है, कि बारिश की वजह से सब भाग गए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो देखते रहिए। हेलो यहाँ पे छुपे लोग, जहाँ पे मिला वहाँ पे छुप गए लोग, ऊपर से कुछ ना कुछ डाल के छुप गए लोग, पे कुछ लोग छुप गए हैं। देखिए ग्राउंड का है, संजनाभाई नरवडे। तो देखिए यहाँ पे जो है इतने सारे लोग आएंगे ये पता था इनको। यहाँ पे देखिए पुलिस नियंत्रण कक्ष यहाँ पे स्थापन है, पुलिस मदद केंद्र, और बाकी भी उधर जो अग्निशामक का जो गाड़ी है उधर साइड में है, और जो एम्बुलेंस का भी यहाँ पे प्रबंध किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा है कि इतने सारे लोग आने वाले हैं और उनका अंदाज़ा भी लगाया था, इसके वजह से सारे कुछ प्रबंध यहाँ पे किए हुए हैं। तो ये है दीक्षा भूमि, ये साइड, ये जो दिख रहा है ये दीक्षा भूमि वाला है। बराबर
तो ये दीक्षा भूमि का पीछे साइड का जो गार्डन वाला एरिया है, यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि अंदर जाने के लिए पूरी लाइन है, आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन है अंदर जाने के लिए। फुटपाथ जाने का मार्ग है, यानी कि यहाँ से एंट्री गेट एंट्री है, इधर से भी यानी कि दो एंट्री है यहाँ पर। तो यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर जाने का, अंदर में जाके दर्शन लेने का। देखिए इतने सारे लोग हैं पूरा जाके, मेरे ख्याल से उधर साइड में एग्जिट पॉइंट होगा। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये रात से चालू है, यानी कि 24 रात और दिन, सुबह से लेके शाम तक आज भी रहेगा रात को और कल भी रहेगा, दो तीन दिन रेगुलर रहेगा यहाँ पर। ये जो जाने वाली दर्शन करने वाली लाइन है, ये दो तीन दिन ऐसी ही रहेगी, रात हो या दिन हो ये चलती रहेगा। देखिए इतना खूबसूरत यहाँ पे स्तूप है, ये है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे धम्म परिवर्तन दिन का यहाँ पे स्टार्टिंग की थी 1956 में 14 नवंबर 1946 में। तो अभी आज के दिन में 66 ईयर हो गए, आज का दिन जो 66वां धम्म परिवर्तन दिन मनाया जा रहा है यहाँ पे, मगर बारिश ने पूरा मजा किरकिरा कर दिया यहाँ पे। तो अपन पीछे साइड से भी जाके देखते हैं, देखिए मेरे पीछे साइड में बहुत बढ़िया सा स्तूपा है। यहाँ पे हवन वाले घूमने वाले भी लोग आए यहाँ पे। ये देखिए पीछे वाला जो एग्जिट पॉइंट बाहर निकलने का मार्ग ये वाला है। यहाँ से निकल रहे लोग, एंट्री वाला दिखा दिया, एग्जिट वाला दिखा दिया, अभी यहाँ पे जाके जो है एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ से अंदर जाते हो, यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये जो दिन और रात जो भी हो यहाँ पे दो तीन दिन से चलता रहता है, अंदर में जाके दर्शन करके बाहर आते हैं लोग। तो आज का दिन जो है बहुत बड़ा है दिन, जो 66 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो आज ऑलर महाराष्ट्र से, ऑलर इंडिया से बहुत सारे लोग आए हैं। मुझे जैसे एक पुलिस वाले सर ने बताया कि कम से कम 3 लाख से ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पर, ये रात से आए हुए हैं यहाँ पर। हम आए अमरावती से। आज सुबह है कि कल ही आए आप लोग? हम तो ऑटो से आए, अभी आए, ऑटो से आए, बस से आए, कल से भी आए, अभी आए, आज सवेरे से निकले हम 8 बजे से आए हुए हैं। और यहाँ पे हो गया आपका दर्शन, अंदर में जाके बाहर आ गए, बहुत बढ़िया सा। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, मगर बारिश में मजा गिर गिर ये बहुत आए सर। बारिश ने एकदम खराब कर दिया आज का जो प्लान, जो दीक्षा भूमि का था, ये पूरा खराब कर दिया आज का ब्लॉग। सुबह से ऐसा नहीं लग रहा था, सुबह से मौसम बहुत बढ़िया सा सुहाना था, बढ़िया सा मौसम, मगर यहाँ पे ऐसा हुआ कि 1 घंटे से बहुत बेकार मौसम बन गया यहाँ पे। जितने भी लोग आए यहाँ पे ये देखिए मेरे पीछे, यहाँ पे छुप गए, जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे छुप गए। तो मैंने सारी आपको दिखा दिया, पूरा दीक्षा भूमि का दृश्य दिखा दिया, यहाँ पे जो हाल है, यहाँ पे कल से लोग आए हुए हैं, यहाँ पे सब प्रबंध किया हुआ है यहाँ के गवर्नमेंट ने, नागपुर के जो भी महानगर पालिका है, गवर्नमेंट बोल सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे हुआ, मगर एक गलत बात होगी कि यहाँ पे बारिश ने पूरा मौसम बिगाड़ दिया यहाँ पे। तो यहाँ से निकलते हैं अपन, अपने उड़न दस्ते का, अपना हेलमेट का हाल क्या है वो देखते चलो,
यहाँ यहीं पे मैं आज का ब्लॉग खत्म करता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।